Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. Hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. So दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं. So दोस्तों, यह आप लोगों का the all new Volkswagen Polo. यह आर डायनेमिक मॉडल है जिसे दोस्तों कुछ ही दिन पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में रिवील किया गया है. इस गाड़ी को दोस्तों, ये वॉल्सवैगन का लेटेस्ट जनरेशन है, फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि आया है आप लोगों के लिए. आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल इन फ्रंट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं. गाड़ी की डायमेंशन भी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है. आप लोगों को न्यू स्कोडा फैबिया जितनी 4100 mm आप लोगों को इसकी डायमेंशन मिलेगी लेंथ. एंड दोस्तों, इसके साथ साथ फुल्ली अपडेटेड न्यू इंटीरियर मिलेगा गाड़ी में. आपको एक फ्रेश लुक के साथ प्रोवाइड की गई है न्यू एलईडी रियर टेल लाइट्स, सारे एलईडी हेडलाइट्स, 19 इंच के अलॉय व्हील्स, ये सभी चीज़ें आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को मिलेगी. 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, सारे पार्क असिस्ट जैसे फीचर सारे आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे. एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, ये सभी फीचर आप लोगों को दोस्तों इस गाड़ी में देखने को मिलेगा. सो दोस्तों, ये जो ऑल न्यू वॉल्सवैगन पोलो है ये इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी, जैसा कि आप लोगों का स्कोडा में रहता है, स्कोडा फैबिया में. जो 1 लीटर रहेगी यानी 1000 cc और 3 सिलेंडर आप लोगों को लगभग 100 PS की पावर प्रोवाइड करेगा एंड 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी. उसके साथ साथ आप लोगों का जो 1.5 लीटर है वो भी दोस्तों आप लोगों का 150 PS की पावर प्रोवाइड करेगा, 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वो भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी. इससे पेट्रोल इंजन के ऑप्शन आएंगे, डीजल के आने के कोई चांसेस नहीं है. इन सब के साथ साथ दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की तो गाड़ी की बात करें, वॉल्सवैगन की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से. 5-स्टार रेटेड कार होगी ये आप लोगों के लिए. एंड दोस्तों, ये आर डायनेमिक मॉडल है इसलिए आप लोगों को क्वाड साइलेंसर दिखाई दे रहा होगा. एंड दोस्तों, इस गाड़ी में आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगा अपने फीचर्स. इसके साथ साथ आपको सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग गाड़ी में प्रोवाइड की जाएगी और भी ढेर सारे फीचर मिलेंगे जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, हिल रोड असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर, ये सब फीचर आप लोगों को दोस्तों इस गाड़ी में देखने को मिलेगा. ये तो हो गया दोस्तों आप लोगों का न्यू वॉल्सवैगन पोलो 2021 के बारे में. अब दोस्तों, अगर बात करें इस गाड़ी का जो है इंडिया में लॉन्च होने की, तो दोस्तों 2021 में तो इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के कोई चांसेस नहीं है और आगे का भी कुछ प्लान अभी तक वॉल्सवैगन ने रिवील नहीं किया है. हो सकता है कि ये गाड़ी आप लोगों को जो है 2022 में यानी कि अगले साल एंड तक या फिर 2023 में देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो वॉल्सवैगन अपने न्यू SUV वॉल्सवैगन टाइगन के ऊपर फोकस किया है. अभी तक इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं आई कि न्यू पोलो जो है ये कब देखने को मिलेगी इंडिया में. आप लोग इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय 2022 एंड या फिर 2023 में. जी दोस्तों, अगले साल के एंड तक या फिर 2023 में आप लोग इस गाड़ी को इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए. वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में तो कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब आपको कमेंट में ही दे दूँगा. इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या फिर किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में जाके. मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में ज़रूर डाल दूँगा. इसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आप लोग आगे भी हमारे चैनल पर देख सकें. सो दोस्तों, फाइनली अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है. सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Goodbye friends and take care.